बात उस समय की है, मेरी पत्नी से थोड़ी अनबन चल रही थी, तो हमारे बीच शायद 20-25 दिनों से कुछ नहीं हुआ था। मुझे अपने रिश्तेदार के यहाँ पूजा में जाना पड़ा। मैंने सरकारी बस में जाने का फैसला किया। मैं रात के 9 बजे की गाड़ी से निकला। बस में बहुत भीड़ थी तो मुझे सबसे आखिरी वाली सीट मिली, आखिरी लाइन में भी खिड़की वाली सीट, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। सर्दी के कारण कोई उधर बैठना नहीं चाहता था। गाड़ी पूरी भर गई थी। अब मैं अपने आप को कोसने लगा कि प्राइवेट गाड़ी से जाता तो अच्छा होता। मैंने कोई कंबल या शॉल भी नहीं लिया था। मेरे बगल में 2 बूढ़े बैठ गए थे। बस निकल पड़ी। खिड़की के टूटे हुए शीशे से जोर की हवा अंदर आ रही थी। बुड्ढों ने अपने अपने कंबल निकाल लिए। ठंड से मैं मरा जा रहा था। ऐसे में गाड़ी औरंगाबाद रुक गई। जो लोग उतरे उनकी जगह जो लोग खड़े थे वो लपक कर बैठ गए। मैं फिर अपनी जगह फंस गया। मेरे बाजू वाले बूढ़े भी आगे चले गए थे। बस फिर चल पड़ी। आगे 1 घंटे के बाद बस एक ढाबे पर रुकी और मैं भी नीचे उतरा। मेरी खाना खाने की इच्छा नहीं थी, बस टहल रहा था। फिर पास में एक जनरल स्टोर था, वहां पर शोकेस में वो वाले पैक लगे हुए थे। उसे देखकर मेरे मन में हलचल होने लगी। वहां से 2-3 लोगों ने पैकेट खरीदे। मैं उस दुकानदार के पास गया। मैंने उससे पूछा, कोई जुगाड़ हो सकता है क्या? वो बोला, साहब अकेले सफर कर रहे हैं क्या? मैंने हाँ में जवाब दिया। उसने कहा, आज आपका नसीब अच्छा नहीं है, जो 2 लड़कियां आती हैं वो भी नहीं आई, नहीं तो 300 रुपये में काम बन जाता। मैं अपने नसीब को कोसता रह गया। एक तो 25 दिन से प्यास नहीं बुझी थी, ऊपर से इतनी ठंड में मेरी हालत भी खराब होती जा रही थी। मैं मन ही मन में अपनी बीवी के साथ वाले पल याद करने लगा और अंदर ही अंदर मुझे कुछ फीलिंग होने लगी। फिर सोचा कि जब मैं घर जाऊंगा तो अपनी बीवी को मना लूंगा। आज मेरा बहुत मन भी कर रहा था, लेकिन अभी मैं कुछ कर भी नहीं सकता था सिवाय नियंत्रण के। फिर वही खिड़की पर बैठे बैठे कब मुझे नींद आ गई कुछ पता ही नहीं चला। फिर मेरी आंख तब खुली जब बस बीच रास्ते में रुकी। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ बस पर चढ़ रही थी। इतनी रात को ये औरत पता नहीं कहाँ से आ रही थी। वो औरत दिखने में काफी खूबसूरत भी थी। वो किसी भी तरीके से नहीं लग रही थी कि वो 2 बच्चों की माँ है। बस कंडक्टर ने उस औरत को बस के अंदर बिठा लिया और फिर बस का दरवाजा बंद कर दिया। बस पूरी भरी हुई थी, कहीं पर भी बैठने की जगह नहीं थी। वो औरत वहीं बस कंडक्टर के बगल में बैठ गई। फिर कुछ देर बाद मेरे बगल में जो 2 बूढ़े अंकल थे उनकी मंजिल आ गई थी। मन ही मन में सोचा कि शुक्र है ये दोनों बूढ़े उतरे तो सही, क्योंकि जब मैं सो रहा था वो दोनों ही इतनी तेज खर्राटे मार रहे थे कि मुझे सोने में भी दिक्कत हो रही थी। ऊपर से ठंड की वजह से मेरी तो हालत खराब हो रही थी। मेरे बगल की सीट खाली हुई तो वो औरत आकर मेरे बगल में बैठ गई, साथ ही उसके 2 बच्चे भी थे। मुझे देखकर वो औरत थोड़ा शर्माई। मैंने भी उसे देखकर हल्की सी मुस्कान दी और फिर बस चलने लगी। बस जब चल रही थी तो टूटी खिड़की से हवा बहुत तेज बह रही थी, जिसे ठंड और ज्यादा लग रही थी, तो उस औरत को भी ठंड लगने लगी। उसने अपने बैग में से एक कंबल निकाला और खुद और अपने बच्चों को उड़ा दिया। ठंड ज्यादा लगने की वजह से मेरा शरीर तो कपकपाने लगा। वो देखकर वो औरत कहने लगी, अगर आप बुरा ना माने तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा कंबल है, अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको दे सकती हूँ। ये सुनते ही मैंने तुरंत उसे हाँ कह दी, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। उसके दिए हुए कंबल को मैंने तुरंत अपने आप को ओढ़ लिया। अब मुझे इतनी राहत मिल रही थी कि मैं अब बात नहीं कर सकता। फिर धीरे धीरे मेरी और उस औरत की बातें होने लगी। बातों ही बातों में उसने बताया कि वो अपने घर जा रही है, उसके पति इस दुनिया में नहीं है और वो बिल्कुल अकेली है, और वो एक फैक्ट्री में काम करती है, इसी वजह से उसे रात को आते हुए देरी हो जाती है। उसकी सूरत की मासूमियत देखकर मैं उस पर फिदा हो चुका था। वो दिखने में काफी दूध की तरह खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता से कोई भी उसकी तरफ मोहित हो सकता था। बस बहुत तेजी से चल रही थी और जब बस अचानक ही रुकी तो वो औरत मेरे सीने से अलगी। मेरे करीब इतने आते हुए वो थोड़ी देर में शर्मा गई। मैं भी अंदर ही अंदर बहुत शर्मा रहा था। मेरा दिल अब अंदर ही अंदर मचलने लगा था। एक तो 20 से 25 दिन हो गए थे मेरी बीवी से वो सब किए हुए, लेकिन मैं खुद पर बहुत काबू किया हुआ था। औरत फिर अपनी जगह पर जाकर अच्छे से बैठ गई। फिर जब बस चलने लगी तो धीरे धीरे हमारे दोनों के बाजू की कोनी एक दूसरे के साथ लगने लगी थी। उसके बच्चे खूब अच्छे से सो रहे थे। पूरी बस के लोग इतनी ठंड में सो रहे थे
और कुछ लोग जागकर मोबाइल से बातें कर रहे थे। मेरी बस की लास्ट सीट थी, तो इस वजह से कोई भी हम लोगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। मैंने अपनी चादर ली और फिर सोने का नाटक करने लगा। धीरे धीरे जैसे बस चल रही थी, हम लोग एक दूसरे के शरीर के साथ टकरा रहे थे। कभी उसकी बाजू की कोनी मेरी कोनी पर लगती, तो कभी मेरा हाथ उसके जिस्म पर लगता। और खुश तो मैं और इस वजह से हो गया कि जब मेरा हाथ उसके वहां पर लगता तो वो मुझे बिल्कुल भी कुछ ना कहती, बल्कि और शर्म आने लगती। अब मैं उसकी तरफ से इशारा समझ गया था। हम दोनों ने बस का सफर कुछ यूं ही किया। अब मेरे अंदर भी एक हलचल सी होने लगी थी। मैं अब और खुद को रोक नहीं पा रहा था। अब मैंने कंबल से अब उसका हाथ पकड़ लिया। जब मैं उसका हाथ पकड़ा तो वो मुझे तब भी कुछ ना बोली। अब मुझे 100% इशारा मिल गया था कि वो भी अब चाहती है। फिर उसने अपना कंबल निकाल कर अपने बच्चों को दे दिया और फिर वो भी मेरे साथ मेरे ही कंबल में आ गई। और फिर हम दोनों ने मिलकर जो किया वो कोई सोच भी नहीं पाएगा। रात के अंधेरे में चलती हुई बस में एक दूसरे से प्यार का इजहार किया। जब मैंने उसका हाथ पकड़ा था तो वो काफी ज्यादा मुलायम था। औरत बहुत ही ज्यादा हसीन थी। जब गले लगी तो उससे बहुत ही एक बेइंतहा खुशबू आ रही थी जो मुझे उसकी तरफ और ज्यादा खींच रही थी। मैं खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। अब मैं भी चाहता था कि मैं बेकाबू हो जाऊं। इस वक्त मुझे अपनी बीवी की कोई परवाह नहीं थी। अब मैं इस वक्त बस इन्हीं पलों को गुजारना चाहता था। फिर वो औरत मुझे कहने लगी कि वो अभी कुछ देर बाद बस से उतर जाएगी क्योंकि उसकी मंजिल आने वाली है। ये सुनकर मैं बहुत उदास हो गया, लेकिन उसने मुझे कहा कि आप चिंता मत करो, आप भी चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो। मैंने उससे कहा, ये कैसे हो सकता है? उसने कहा, हो सकता है, मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ रहती है और वो भी इस वक्त सो रही होगी, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और हम दोनों फिर मिलकर खूब प्यार करेंगे, हमें एक दूसरे से कोई जुदा भी नहीं कर पाएगा। अब उसके मुंह से प्यार का शब्द सुनकर तो मैं बौखला उठा था। मैं तो बस कैसे भी करके सब कुछ करना चाहता था, क्योंकि एक तो वो बहुत ही हसीन और खूबसूरत थी और उसके जिस्म से इतनी बेइंतहा खुशबू आ रही थी जो मुझे उसकी तरफ खींच रही थी। मुझे खुद पर काबू ना रहा और मैं भी उसे कह दिया कि मैं भी उसके साथ बस से उतर जाऊंगा। मेरा जिस्म अब बहुत टाइट हो गया था। अब मैं भी वो सब चाहता था जो वो चाहती थी। जब हम बस से उतरे तब वो मुझे अपने साथ एक घने से जंगल में ले गई। मुझे लगा शायद वो यही सब कुछ करना चाहती है। मैं तो अंदर ही अंदर बहुत खुश था। मुझ पर एक तो पता नहीं क्या हुआ कि वो जैसा जैसा कहती गई मैं उसके साथ वैसा वैसा करता गया और उसके साथ उसी रास्ते पर जाता रहा जहाँ खूब घना अंधेरा था और आसपास बिल्कुल जंगल था। उस जंगल के बीच एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी। मुझे लगा शायद यही इसका घर है। अब मैं अंदर ही अंदर तड़पने लगा था और वो भी मेरे साथ तड़प रही थी। जब हम दोनों कुटिया के अंदर पहुंचे तो अंदर का मंजर देखकर तो मैं चौंक उठा था। उसने अपने दोनों बच्चों को एक रूम में कर दिया और दूसरे रूम पर मुझे अपने साथ ले गई। उस रूम पर एक बहुत ही मुलायम बिस्तर लगा हुआ था। मैं जैसे ही उस बिस्तर पर पड़ा वो मेरे करीब आने लगी और मेरे करीब आते ही उसने मेरी शर्ट का बटन खोलना शुरू कर दिया और फिर मेरे साथ वो सब किया जो मैं करना चाहता था। लेकिन जैसे ही हम वो सब करके उठे पीछे से तीन हट्टे कट्टे आदमी मेरे सामने आ गए। उन सबको देखकर मैं तो चौंक उठा था। मैं जब उस औरत से पूछा कि ये दो आदमी कौन हैं, तो वो मुस्कुराने लगी और इतनी तेज हंसने लगी जैसे कि वो कोई शैतान हो। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं, ये क्या हो रहा था, अब वो लोग इतना मुस्कुरा भी क्यों रहे थे। वो दोनों आदमी मेरे करीब आए और मेरा ग्रीवान पकड़कर कहने लगे, जितने भी पैसे तुम्हारे पास हैं वो अभी के अभी निकाल दो, नहीं तो हमने तुम्हारी ये वीडियो बनाई हुई है, ये वीडियो तुम्हारी बीवी को और पूरी दुनिया वालों को दिखा देंगे। ये सब सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। इसका क्या मतलब था? जब वो औरत की तरफ मैंने देखा तो वो कहने लगी कि तुम जैसे बेवकूफ मर्द जो अपनी बीवियों के नहीं हो सकते वो दूसरी औरत के क्या होंगे, तुम जैसे आदमियों को मैं ऐसे ही अपनी उंगलियों पर नचाती हूँ, तुम जैसे आदमी को मैं ऐसे ही अपनी खूबसूरती दिखाकर मदहोश करती हूँ, उसके बाद सब कुछ करके उन्हें ब्लैकमेल करती हूँ। अगर वो मेरी डिमांड पर उतना पैसा नहीं देते तो मैं उन्हें किसी लायक नहीं छोड़ती। ये सुनकर तो मेरे पसीने छूटने लगे। अब मेरा शरीर जो पहले गर्म था अब ठंडा पड़ने लग गया।
मैं सोच भी नहीं सकता था ये भोली सी सूरत वाली औरत इतनी बड़ी शातिर होगी। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं रिश्तेदार के घर जाने के लिए जितने पैसे लिए थे मैंने सब उसको वहीं दे दिए, लेकिन उन सब ने मुझे तब भी जाने नहीं दिया। मैं चाहता था कि जैसे तैसे करके मैं यहां से निकल जाऊं, लेकिन वो लोग कहने लगे कि अभी के अभी मैं उन्हें 50,000 दूं। इतनी बड़ी रकम सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने उन्हें कहा कि मैं इतनी बड़ी रकम तुम्हें कहाँ से लाकर दूं? मेरे पास जो कुछ पैसे थे मैंने वो तुम्हें दे दिए हैं। लेकिन वो मुझे और धमकाने लगे, कहने लगे कि हम तुम्हें जान से ही मार देंगे अगर तुमने पैसे ना निकाले। उन्होंने मेरे पास से मेरा एटीएम कार्ड भी निकाल लिया। वो लोग कहने लगे हम तुम्हारे साथ जंगल से बाहर चलेंगे और वहां पर जो एटीएम मशीन पर जाकर तुम हमें पैसे निकलवा कर दो, उसके बाद तुम अपने रास्ते निकल जाओ और हम अपने रास्ते निकल जाएंगे। अगर तुमने वहां से कुछ भी चालाकी की तो तुम्हारी ये वीडियो हम तुम्हारे घर वालों को दिखा देंगे। वो लोग मुझे इस वजह से ज्यादा धमका रहे थे क्योंकि बस में मैंने उस औरत को अपने घर का पता भी बता दिया था। बातों ही बातों में उसने मेरे कामकाज के बारे में पूछा, मेरी पत्नी के बारे में और मैं कहाँ रहता हूँ, उन सब के बारे में भी। और जब उन्होंने मेरी पॉकेट से मेरा मोबाइल निकाला तो मेरी बीवी का नंबर भी निकाल लिया, इसलिए अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। उन्होंने बहुत बड़ा गेम खेला था। उन लोगों के साथ जाकर मैंने एटीएम से पैसे निकाल कर उन्हें दे दिए। उसके बाद मैंने चैन की सांस ली। उसके बाद मैंने ठान लिया कि जिंदगी में कभी भी मैं किसी भी गैर औरत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करूंगा और हमेशा अपनी बीवी के साथ रहूंगा। और मैं रिश्तेदार के घर जाना भी कैंसिल कर दिया। मैं तुरंत वापस अपने घर चला गया और अपनी बीवी से बहुत माफी मांगी, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मैंने तो उससे यही कहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैं वापस तुम्हारे पास आ गया। वो भी ये सुनकर बहुत मुस्कुराई और वो मेरे सीने से लग गई। अब हम दोनों ने मिलकर वो सब कुछ किया जो कई दिनों से हमने नहीं किया था। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।